जय हिंद दोस्तों, बंदे मातरम, जोहार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ मस्त और जबरदस्त होंगे और आपने तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो बात करेंगे कि झारखंड पुलिस का जो आपका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, आपका कल तक ऑनलाइन होगा, इसमें अभी तक टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें ये भी बात करेंगे कि इसमें आपका जो है किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे किसका फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट कि झारखंड पुलिस की तैयारी कैसे करें, फिजिकल की तैयारी कैसे करें, रिटर्न की तैयारी कैसे करें। चौथा पॉइंट है हमारा फिजिकल कब तक होगा, जो कि हर एक बच्चे का सवाल यही आ रहा है कि सर फिजिकल कब तक होगा, झारखंड पुलिस का फिजिकल कब होगा, रनिंग कब होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि आपका फिजिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल में आपका क्या क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस बार कटअप क्या रहेगी, इस बार कटअप आपका क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। पेपर वन में क्या रखे, पेपर वन में जो है हम क्या रखे, ये भी सवाल बहुत सारे बच्चे का आ रहा है। तो अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है तो इस वीडियो का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो हमारा सवाल है कि फॉर्म अभी तक कितना भरा गया है, अभी तक फॉर्म कितना भरा गया है। दोस्तों अभी तक जो आपका फॉर्म भरा गया है 15 लाख आपका फॉर्म लगभग भरा गया है, 15 लाख आपका फॉर्म अभी तक डाल दिया गया है, सबमिट हो चुका है, 15 लाख सबमिट हो चुका है, 15 लाख फॉर्म। तो इसमें बहुत सारे बच्चे का रिजेक्ट भी होगा, इसमें बहुत सारे बच्चे का रिजेक्ट भी होगा, किसका रिजेक्ट होगा उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा वही है किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। दोस्तों जिन्होंने जिन्होंने जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं फॉर्म तो अप्लाई कर दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ किसी का गलत होगा, माँ बाप का नाम में जो स्पेलिंग है उसमें गलत होगा किसी का, तो वो बच्चे जो संशोधन डेट दिया है उस दिन आप लोग जरूर सुधार लीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें किसी किसी बच्चे का अभी तक पेमेंट नहीं लिया है तो पेमेंट आप जल्द से जल्द कर दे, क्योंकि लास्ट में आपका बहुत ही स्लो चलता है इसका वेबसाइट जो है, आपका बहुत ही स्लो चलता है, जिसके कारण आपका पेमेंट भी ले पाएगा और आपका जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे का फोटो अपलोड नहीं हुआ है, अपना फोटो को थोड़ा अच्छा सा फोटो अपलोड कीजिएगा और उसके बाद सिग्नेचर जो है सिग्नेचर आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपका सही सिग्नेचर है या नहीं है, सही से सिग्नेचर कीजिएगा। ये सिग्नेचर आप लोग याद रखिएगा, जब आपका एग्जाम होगा उसी टाइम आपको ऐसा ही सिग्नेचर करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम का स्पेलिंग है, जो आपका एडमिट कार्ड में है, जो आप मतलब जिस 10th लेवल के एडमिट कार्ड में है उसको मिला के ही दीजिएगा, आपका आधार कार्ड में मिला के ही दीजिएगा। अगर आपका दोनों में सही नहीं है तो उसको आप सही करा लीजिए और जो आपको सही कराना है वही वाला डालिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि तैयारी कैसे करें। अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो आपको तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्म भर दिए हैं हम अगर फिजिकल निकालेंगे उसके बाद रिटर्न की तैयारी करेंगे, अभी बहुत सारे बच्चे फिजिकल कर रहे हैं लेकिन रिटर्न की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो रिटर्न की भी तैयारी करनी है और फिजिकल की भी तैयारी आप लोग कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग रनिंग कीजिए, ग्राउंड जाइए। फिजिकल के लिए KK फिजिकल एकेडमी आपके लिए 10 मार्च से फिजिकल का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे झारखंड पुलिस और SSC GT की तैयारी करना चाहते हैं वो आप बच्चे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि इस बार का कटअप क्या रहेगी। देखिए कटअप की अगर हम बात करें कि कटअप क्या रहेगी, फॉर्म तो देखिए कितना बच्चे अगर फिजिकल में पास होंगे, कितने बच्चे फिजिकल में पास होंगे उसके बाद ही हम लोग कटअप के बारे में आप लोग को बता सकते हैं कि फाइनल कटअप क्या आएगा। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो आपकी कटअप है हाई होने वाली है। हाई कटअप इसलिए होने वाली है, आप देख सकते हैं कि हर एक कंपटीशन का जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें हाई कटअप जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी कम है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। आप भी अगर फॉर्म भरे हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी जरूर कीजिए। ऑनलाइन के लिए KK फिजिकल एकेडमी आपका बैच चल रहा है, वर्दी बैच, उस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें
अभी ऑफर भी है, 50% का ऑफर चल रहा है, 50% का ऑफर चल रहा है। इसमें आपको फुल सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर वन में जो आपका होगा हिंदी होगा, और पेपर टू का जो फुल सिलेबस है आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बैच का भी ऑफर है, आप लोगों को बता दें 50% ऑफर है, तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे का कमेंट आया है कि सर हम लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन के लिए भी हमारा अभी बैच चालू होने वाला है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जिसको ऑफलाइन क्लास करना है। पेपर वन में क्या रखें, ये बहुत सारे बच्चे का समस्या है। दोस्तों पेपर वन में आपको 30% अंक लाना है, 30% अंक लाना है तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। 30% यानी आपको 90 नंबर लाना है तभी आप इसमें पास कर पाओगे। पेपर वन में जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज है क्षेत्रीय भाषा में, जैसे कि जिसको कुड़माली नॉलेज है, कोठा में ज्यादा नॉलेज है, कोठा ज्यादा अच्छा तरह से जानता है, उसके बाद जो हो जानते हैं, या फिर जो भी भाषा आपको क्षेत्रीय भाषा आता है आप वही भाषा ले सकते हैं। पेपर वन में हम लोग हिंदी की तैयारी करा रहे हैं, तो आप हिंदी भी रख सकते हैं। अगर आपको अभी चेंज करना है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। संशोधन के जो आपका लिंक आएगा संशोधन का, उसमें आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फिजिकल कब होगी। दोस्तों ये सवाल बहुत सारे बच्चे का आ रहा है कि सर फिजिकल कब होगा, फिजिकल कब होगा। आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए, फिजिकल डेट की इंतजार मत कीजिए। फिजिकल जब भी होगा आप लोग सिर्फ उसमें निकालना है, ठीक है। तो फिजिकल में हम बात करें, फिजिकल में लड़कों के लिए जो आपका है 10 किलोमीटर रनिंग है उसमें आपका टाइमिंग है 60 मिनट, और लड़कियों के लिए जो आपका रनिंग है 5 किलोमीटर रनिंग है और 30 मिनट टाइम दिया गया है। तो लड़कियों के लिए थोड़ा टफ रनिंग है, तो जो बच्ची फिजिकल निकाल लेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे लड़की है, जो बच्चे फिजिकल निकाल लेंगे उसका 99% सिलेक्शन का चांस हो जाएगा। तो फिजिकल की तैयारी आप लोग जरूर कीजिए। फिजिकल के डेट की अगर बात करें, देखिए अप्रैल में आप सभी को पता है कि इलेक्शन है, तो आपका जो फिजिकल होगा मई और जून के बीच में आपका फिजिकल होने वाला है, मई और जून के बीच में। तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी कीजिए। 10 किलोमीटर जो लड़कों के लिए रनिंग है आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, तभी आप लोग इसको कम्प्लीट कर पाइएगा। हमारा फिजिकल बैच भी 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग फिजिकल की 100% आपको गारंटी देंगे, आप 100% फिजिकल निकालोगे। अगर हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर के आदेश निर्देश है उसके अनुसार अगर चले तो आज का वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।